हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एरी यूनिक वीडियोस। गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। गाइस, आज मैं आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। गाइस, आज मैं नेपाल का रिएक्शन वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए, तो इसका क्रेडिट जाता है अमेजिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को गाइस, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है गाइस, तो इसे देखिए लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल को एशिया का सबसे विचित्र देश माना जाता है, और इसकी विचित्रता को देख नेपाल को एशिया का अमेजन भी कहा जाता है। और नेपाल का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जहां भारतीय बहुत ही कम खर्चे में घूमने जा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं नेपाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी हैरान कर सकती है। 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था, और तब नेपाल को दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था। लेकिन 2007 में एक नया संविधान आया और इसे हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। नेपाल में एक समय के दौरान पब्लिक प्लेसेस में किस करना एक इल्लीगल कार्य माना जाता था, लेकिन आज के दिनों में नेपाल काफी मॉडर्न ख्यालात की ओर बढ़ रही है। नेपाल के ज्यादातर लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों को काफी सम्मान करते हैं। नेपाल का हर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध धर्म स्थलों से भरा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कही जाती है। यहाँ पे कवारी लड़कियों को पूजना हो या फिर धर्म स्थलों पे साधु संतों का घूमना हो, ये सारी चीजें यहाँ पे जाने वाले टूरिस्टों के लिए काफी दिलचस्प माहौल बनाता है। एक बात काफी हैरान करने वाली है कि नेपाल के ज्यादातर लोग धार्मिक हिंदू होने के बावजूद यहाँ पे आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों से नेपाल को काफी महान बनाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। नेपाल में बहुत ही कम एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे फ्लाइट में जाना काफी महंगा होता है, और यहाँ पे स्थित एक एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से माना जाता है। 19वीं शताब्दी में नेपाल की लगभग आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे बास करती थी, लेकिन पिछले चंद सालों में नेपाल अपनी ज्यादातर गरीबी को मिटाने में सक्षम हुआ है। भारत के साथ हुआ एक समझौते के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के नेपाल जा सकता है, और नेपाल का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत में आकर काम कर सकता है। यही कारण है कि भारतीयों के लिए नेपाल जाना बहुत ही आसान और सस्ता होता है। भारतीय और नेपालियों के बीच एक चीज को लेकर काफी मतभेद है कि आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल सरकार की इनकम का एक बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट देखने जाने वाले टूरिस्टों से आता है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार आने से पहले नेपाल भारत के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट माना जाता था, लेकिन नई सरकार आने के बाद नेपाल भारत से दूरी और चाइना से नजदीकी बना रहा है, और चाइना अपना काफी सारा पैसा नेपाल की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहा है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल की गोरखा जाति एक बहादुर कौम मानी जाती है, और इन लोगों का मानना है कि डरने से मरना बेहतर है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी आज भी गोरखा बैटालियन में ज्यादातर नेपालियों को नियुक्त करती है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। और गाइस, मुझे तो बहुत ही मस्त लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है नेपाल गाइस, और बहुत ही छोटा देश है जो कि इंडिया से लगा हुआ है गाइस। तो आप सबने देखा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ना गाइस। तो कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल वीडियो, रिएक्शन वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा गाइस। तो भाई लोग चलते हैं, अब क्या करें, अब बैठ के बताइए, आप ही बताइए क्या करें। अब तो वीडियो दिखाइए दिए हैं, जल्दी कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो, रिएक्शन वीडियो, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।